पुलिस की ओर से 32वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। 18 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये चलेगा ये मंथ। ये पुलिस कर्मचारी, ये तमाम देखिए पीछे आपको दिखा सकते हैं, हाथों में तख्तियां ले वही परिवार, सुखी परिवार जिसे नशा दी नहीं मार, यानी कि लोगों को संदेश दे रहे हैं नशा करके गाड़ी ना चलाएँ। ये रैली कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर किचलू चौक, सेशन चौक, नावल्टी चौक, डी मार्ट लॉरेंस रोड, नावल्टी चौक, भंडारी पुल, कामंडी चौक, हुसैनपुरा, संगम चौक, रामतुलाई, यू टर्न महासिंह गेट, चिट्टा गुमट, रामबाग चौक, हाल गेट, भ्रामादा ढाबा, सिकंदरी गेट, हाल गेट, स्टेशन वाला पुल, रेलवे स्टेशन, कैनाल ऑफिस और ट्रैफिक ऑफिस में जाकर ये समाप्ति होगी। इसमें कई जो आगे भी कार्यक्रम दिए गए हैं, 19 को, 21 को स्कूलों के विद्यार्थियों को भी जो मुहिम में शामिल किया जाएगा और उन्हें संदेश दिया जाएगा कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं सड़क हादसों में। हमारे साथ हैं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुशैन सिंघल। डॉक्टर साहब, आज काइंडली दसना थोड़ा क्या एकदम मनाने का की मकसद है ये जो अज 32वां कौमी सड़क सुरक्षा महीना जो अज शुरुआत वो की है। ये पूरा महीना हूँ अलग अलग एक्टिविटीज़ असी अमृतसर के करेंगे, जिदे सैमीनार भी आ, अवेयरनैस कैंपेन कई तरह के आ, स्कूलों के कॉलेज के अलग अलग प्रोमीनेंट जगह के उत्ते, जिदा हैलमेट वंडना, लोगों को जागरूक करना ट्रैफिक नियमों के बारे, इस तरह ही ट्रैफिक नियमों की होर सख्ती के नाल पालना करवाना। सो ये साढ़ा 17 फरवरी तक पूरा एक महीना है जी कैंपेनिंग है जी चलेगी चंगी तरह। अच्छा, हर साल डॉक्टर मनाया जाता है पुलिस वालों, तुम कि समझते हो अजे भी लोग पूरी तरह एजुकेट नहीं हो रहे थे, अजे भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे लगातार? देखो, ये जरा ट्रैफिक नियमों का जी पालना वा वो हर एक बंदे की सिर्फ अपनी हिफाजत वास्ते ही असी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जान तो उपर कोई नहीं। और एक्सीडेंटल डैथ जी सब तो अनफॉर्चुनेट डैथ होंगी है, जिदे विच ऑल ऑफ ए सडन तुहानू एक मैसेज आउंदा कि तुहाडे किसी रिश्तेदार की जां किसी की डैथ होगी, उस तो अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट कोई नहीं हो सकता। तो तीन मुख्य कारण देखे गए हैं जिहड़े एक्सीडेंट के, एक तो ओवर स्पीडिंग, एक मोबाइल यूज़ करना और एक शराब पी के गड्डी चलाना। सो मैं सारिआं नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं अवॉयड करन, ना मोबाइल यूज़ करन गड्डी चलाउंदे समय, ओवर स्पीडिंग ना करन और शराब पी के बिल्कुल गड्डी ना चलाउण। और उस तो बचाव वास्ते जिहड़े आपां दो मुख्य चीज़ां मानदे, एक तो हैलमेट जरूर पाउण और एक सीट बेल्ट जरूर लगा के रखन, कि जे कि अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुंदा भी है तो कम से कम बंदे की जान जी वो बच जाती है जे बेल्ट लगाई होवे और हैलमेट पाया होवे। पुलिस वालों केड़ी केड़ी पूरा महीने च एक्टिविटी की जानी है, तो क्या कॉलेज के स्कूल के जो स्टूडेंट है उन्होंने भी शामिल किया जाएगा? ये तो बहुत सारिया एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज, पूरी साड़ी एक डिटेल्ड प्लैन बनया हुआ है जिहड़ा कि अज तो शुरू हो के अज पहला दिन जी रैली कर रहे हैं साडे पुलिस के ऑफिशियल्स। उस तो बाद कल का हर दिन का अलग अलग शड्यूल है, वो बहुत सारे स्कूल कॉलेज भी जाएंगे, बहुत सारिया प्रोमीनेंट जगह के उत्ते लोगों को जागरूक करेंगे। सो पूरा एक डिटेल्ड प्लैन जरा आज तो लैके 17 फरवरी तक हर दिन एक एक्टिविटी होएगी। अच्छा, गल करिए सर, एक कोई अनुमो स्टैटिस्टिक्स है कि लोगों की डेथ चली जाती है जो अभी पंजाब या इंडिया की गल करिए? देखो, जो इंडिया लैवल की फिगर आ वो वर्ल्ड के हिसाब न बहुत हाई है, 1.5 लाख के करीब करीब डैथ्स होंगे ने मंथ या साल दी? साल दे विच, एक साल के करीब 1.5 लाख डैथ्स होंदियां ने इंडिया दे विच बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, जिहड़ी कि फिगर बहुत हाई है जदों आपां दुनिया के दूजे देशों के नाल कंपेयर करते हैं। सो इन थले लियाउण दा यही तरीका है जो आप ऑलरेडी पहले डिस्कस किया। एक तो सर डैथ हो जाती है, एक लोग डिसेबल हो जाते हैं, काफ़ी उन्होंने इकनोमिक आर्थिक पक्षों भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि कई दवाइया तो इलाज बहुत महंगा जी। वो तो बहुत, देखो 1.5 लाख तो आप डैथ की गल कर रहे हैं, इस तो बाद जिन्हां दे कोई डिसेबल हो गया, कोई हैंडीकैप हो गया, कोई फैमिली पूरी दी पूरी फैमिली सफ़र करती है। सो तदे मैं कह रहा कि एक्सीडेंट तो बचाना वो वास्ते साढ़े लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए है, और सब तो अनफॉर्चुनेट डैथ होंगी एक्सीडेंट की। जी सर, तुसी कोई मैसेज देना चाहो? बस मैं तो यही जिदा पहला तीन गल्लां कहियां कि एक तो लोगों के सहयोग तो बिना ट्रैफिक पुलिस तो खास करके काम नहीं कर सकती, क्योंकि जे लोग सहयोग नहीं देंगे तो इनफोर्समेंट की एक लिमिटेशन होती है, तुम हर जगह पर कोई ट्रैफिक का पुलिस ऑफिसर खड़ा करके नहीं कर सकते। सो मोबाइल यूज़ ना करो, शराब पी के बिल्कुल गड्डी ना चलाओ और ओवर स्पीडिंग ना करो, और दो प्रिकॉशन जो मैं कह, एक सीट बेल्ट जरूर लगाओ और हैलमेट जरूर पहनो। सर, 26 जनवरी हफ्ता रह गया, कोई खास पुलिस वालों तो इंतजाम किए गए हैं जी? 26 जनवरी का साढ़े देखो एक प्री जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे जिदे अलग अलग जगह पर नाकाबंदी जो साढ़े सिटी सीलिंग प्लैन बने हुए वो ऑलरेडी चल रहे हैं, और उस दिन वास्ते भी साढ़े जोड़े पुख्ता असी जो अरेजमेंट्स किए हुए हैं, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जोड़े ने वो साढ़े नोडल ऑफिसर ने
वो सारे सब जो प्रबंध है उन्होंने देख रेख कर रहे हैं जी। आप धन्यवाद। ये थे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, जिन्होंने बताया है कि ये 32वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ पुलिस की ओर से मनाया जा रहा है। लगातार एक महीने तक एक्टिविटियाँ की जाएंगी। ये देखिए पीछे तक जो है पुलिस कर्मचारी जो हैं वो मोटरसाइकिल पर ये लोगों को संदेश देने के लिए बैठे हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी है आपके लिए, गाड़ी तेज़ ना चलाएँ, अलर्ट रहें, और क्योंकि मोबाइल सुनने से आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, इसलिए कीमती जानों को नुकसान होता है। हर साल 1.5 लाख लोग भारत में मर जाते हैं और कई आर्थिक रूप जो हैं कई लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, जिनकी बाद में उन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सुरक्षा अपनी सुरक्षा को यकीनी बनाएं। ये देखिए ये जो रैली है संदेश लेकर रवाना हो चुकी है, पुलिस कमिश्नर की डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल की ओर से इन्हें झंडी देकर रवाना किया गया है, ताकि अब लोगों को भी अपनी सुरक्षा और का ध्यान रखना है और ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।